49 নম্বর ওয়ার্ডে দুয়ারে সরকার হচ্ছে, আমরা সেই চিত্র আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি, তুলে ধরছি। সব তো মানলাম দাদা, বাথরুমের টয়লেট তো খুলছে না, লেডিস টয়লেট এতগুলো লেডিস খুলছে বলেছে। দেখা যাচ্ছে এখানে স্বাস্থ্য সাথী ক্যাম্প বসেছে শান্তিপূর্ণভাবে, দুয়ারে সরকার এখানে অনুষ্ঠান হচ্ছে। লক্ষ্মী ভাণ্ডার এটা কিসের, মানে আপনার যে দেখা যাচ্ছে এখানে বিভিন্ন আচ্ছা আপনারা তারপর এখানে দেখা যাচ্ছে কাউন্সিলর রয়েছেন একদম শান্তিপূর্ণভাবে, কোভিড আচরণবিধি মেনে দুয়ারে সরকার এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমরা
পুরো চিত্রটি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সরাসরি कैंप है और क्या क्या यहाँ द्वारे सरकार में उपलब्ध है कि द्वारे सरकार 2022 में ये सेकेंड राउंड कैंप है। 7 मार्च जो है आज पूरे पश्चिम बंगाल में लास्ट डेट है और द्वारे सरकार कैंप में हम लोग वार्ड वाइज ब्लॉक वाइज पूरे बंगाल में जो है कैंप करवा रहे हैं। अभी हम लोग इस बोरो पाइप के सदर पार्क में खड़े हैं जो वार्ड नंबर 49 का द्वारे सरकार कैंप है। हमारे यहाँ काउंसलर मोनालिजा बैनर्जी के नेतृत्व में ये कैंप सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो गया है जो शाम को 4 बजे तक चले और इसमें हम लोगों ने 22 स्कीम ममता जी सरकार की 22 जो स्कीम है उसमें लक्ष्मी भंडार जो बहुत ही पॉपुलर है, उसके बाद स्वास्थ्य कार्ड है, खाद साथी है, लक्ष्मीश्री है, कन्याश्री है, अक्याश्री है, SC ST OBC सर्टिफिकेट है, आपका जो है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, बैंकिंग सर्विस भी यहाँ हो रही है, साथ ही साथ आपको जो है यहाँ मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है, हमारी इंक्वायरी कैंप भी वहाँ लगे हुए हैं। तो मतलब 22 स्कीम का फैसिलिटी आपको एक साथ एक कैंप पे मिल रहा है जो कि नेवर बिफोर इन बंगाल इन इंडिया, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है और ना सुना है 70 साल के इतिहास में। तो ममता जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस पर ममता जी और हमारे टीम जो है पूरी काम कर रही है, माने जनता के पास जनता के लिए काम कर। দাদা দেখা যাচ্ছে আপনার যে এটা একটা স্বাধীন প্রকল্প মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কিন্তু বিরোধী দলনেতা বলছেন যে 500 টাকার জন্য মহিলারা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তৃণমূলের ভোট ব্যাংকে, এই জন্যই আপনার ভোটটা পড়ছে। আপনি কি বলবেন? আজকে আপনার মনে আছে কি না 2014 সালে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 15 লাখ আয়েঙ্গে, আচ্ছে দিন আয়েঙ্গে, বাট মমতা দি যা বলে ওটা করে দেখায়। লক্ষ্মী ভাণ্ডার বলেছে মা বন্যা লক্ষ্মী ভাণ্ডার পাচ্ছে, মমতা দি বলেছে কন্যাশ্রী পাচ্ছে, তো আমরা যা বলি তা করি। আমরা নরেন্দ্র মোদী না, আমরা জুমলা পার্টি না, ভাত জলাও পার্টি না। क्या कारण है? और कलकत्ता में दूसरे जगह भी देखा गया द्वारे सरकार के कैंप में बहुत खेला खेली भीड़ भाड़ मार मतलब है, यहाँ पे फाका क्यों है इतना? ये मोनालिसा बैनर्जी का वार्ड है, उनके दादू थे फ्रीडम फाइटर। तो हमारा एक कल्चर, एक संस्कार है, 49 नंबर वार्ड को हम मॉडल वार्ड बनाएंगे, ये हमने इलेक्शन में कहा था और हमारी कैंडिडेट आज की काउंसलर मोनालिसा बैनर्जी ने वो करके दिखाने का प्रयास कर रही है। पिछले कैंप में भी एकदम शांति से हुआ है और इस कैंप में तो बड़े शांति से हो रहा है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम ममता जी के सिपाही हैं, हम जुमला और जो है बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, जो करते हैं। आप चिंता मत करिए, 2022 में हमने बंगाल में उनको उठाया है, 2024 में हम उनको हिंदुस्तान से उठा देंगे, सॉरी 2021। तो आप चिंता मत करिए, हमारा जो काम है, हमारा नरेंद्र मोदी ना, हमारा जुमला पार्टी ना, भारत जलाओ पार्टी ना। क्या कारण है? और कलकत्ता में दूसरे जगह भी देखा गया द्वारे सरकार के कैंप में बहुत खेला खेली भीड़ भाड़ मार मतलब है, यहाँ पे फाका क्यों है इतना? ये मोनालिसा बैनर्जी का वार्ड है, उनके दादू थे फ्रीडम फाइटर। तो हमारा एक कल्चर, एक संस्कार है, 49 नंबर वार्ड को हम मॉडल वार्ड बनाएंगे, ये हमने इलेक्शन में कहा था और हमारी कैंडिडेट आज की काउंसलर मोनालिसा बैनर्जी ने वो करके दिखाने का प्रयास कर रही है। पिछले कैंप में भी एकदम शांति से हुआ है और इस कैंप में तो बड़े शांति से हो रहा है। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि हम ममता जी के सिपाही हैं, हम जुमला और जो है बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, जो करते हैं। आप चिंता मत करिए, 2022 में हमने बंगाल में उनको उठाया है, 2024 में हम उनको हिंदुस्तान से उठा देंगे, सॉरी 2021। तो आप चिंता मत करिए, हमारा जो काम है, ममता जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, हम उस पर काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, बाय द पीपल वी द पीपल। हम लोग पीपल के लिए काम करते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बात नहीं करते, काम करके दिखाते हैं। आप देखिए, इसीलिए पौरसभा में हमको 63% वोट मिला है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? 10% है। उनके MLA कहाँ है? MP कहाँ है? काउंसलर कहाँ है? कोई नज़र नहीं आता है, लेकिन मोनालिसा बैनर्जी हमेशा नज़र आती है, हमारे MLA MP हमेशा नज़र आते हैं, ममता दी जो मुख्यमंत्री है वो हमेशा रोडों पर नज़र आती है। तो हम उसका काम करते हैं ना, तो हम काम करते रहेंगे, जनता का प्यार आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा और हम द्वारे सरकार के तरह ही और भी जो वार्ड में हो सकेगा हम करेंगे। 2024 की प्रस्तुति नीचे ना, 2024 में ममता जी प्रधानमंत्री बननी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जाने का समय आ गया है। आप देख लीजिएगा, पूरे हिंदुस्तान में एक ही आवाज़ उठ रही है, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी लाओ, देश बचाओ। अच्छा, अपना नाम क्या बोलूँ? हमारा नाम प्रभात तिवारी, हमें सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर तृणमूल यूथ कांग्रेस कोलकाता उत्तर और यही वार्ड है, फिर हम कोऑर्डिनेट करते हैं। অনেক ধন্যবাদ। আজকে প্রভাত তিওয়ারিকে আমরা আমাদের সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে পেয়ে গিয়েছিলাম, উনি
ওনার কিছু বক্তব্য রাখলেন আজকে আমাদের সংবাদ মাধ্যমে। অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনাকে, ফাঁকে আপনি টাইম দিয়েছেন আমাদের। এটা আপনি যে কাগজ করেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। মানুষকে বুঝান মমতাদি আপনার পাশে ছিলেন, আছেন, থাকেন।